तो क्वेश्चन नंबर थ्री से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री है डब्लू पी क्यू आर मीन डब्ल्यू पी क्यू आर का क्या मतलब है इसका फुल फॉर्म क्या होता है वेल्डिंग प्रोसेस क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन फॉर रीटेस्ट नॉन ऑफ द एब तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड क्वेश्चन नंबर फोर ए क्वालिफाइड वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन इज यूज टू क्वालिफाइड वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन किस लिए होता है तो गिव इंस्ट्रक्शन टू द वेल्डर यस जो क्वालिफाइड डब्ल्यू होता है वो वेल्डर को इंस्ट्रक्शन देता है कि, कि किस रेंज में हमें वेल्डिंग करनी है क्या वेरिएबल्स यूज करना है बी ए गिव इंफॉर्मेशन टू द वेल्डिंग इंस्पेक्टर ऑफकोर्स जो डब्लू होता है उसे ही वेल्डिंग इंस्पेक्टर पढ़ के अपनी इंस्पेक्शन करता है तीसरा है गिव कॉन्फिडेंस दैट फिनिश्ड वेल्ड विल हैव द स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज एब्सोल्यूटली जो हम क्वालिफिक वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन का क्वालिफिकेशन इसलिए करते हैं कि हमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें कॉन्फिडेंस मिले तो इसके आंसर डी होगा ऑल ऑफ द नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है वेल्डिंग प्रोसीजर दैट इज प्रीपेयर टू गिव गाइडेंस फॉर मेकिंग अ वेल्ड प्रोसीजर क्वालिफिकेशन टेस्ट इज अ क्वेश्चन का कहना है कि जो वेल्डिंग प्रोसीजर वो वेल्डिंग प्रोसीजर जो कि जिस जि, जो कि एक गाइडेंस देता है वेल्ड प्रोसीजर क्वालिफिकेशन टेस्ट के लिए प्रोसीजर क्वालिफिकेशन टेस्ट जो हम करते हैं उसका गाइडेंस देता है तो कौन सा होता है वो होता है पीडब्ल्यूपीएस प्रीलिमिनरी डब्ल्यूपीएस जो प्रीलिमिनरी डब्ल्यू होता है पहले हम वो लिखते हैं उसके बाद ही हम टेस्ट कूपन को वेल्ड करते हैं उस रेंज के हिसाब से तो जो हमारा मेन डब्लूपी क्यू आर को गाइडेंस देता हुआ पीडब्ल्यू पी एस क्वेश्चन नंबर सिक्स अकॉर्डिंग टू एन टू एट सेवन वेल्डर अप्रूवल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट शुड बी विदड्रॉन इफ ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर में नहीं बताया था बट मैं ये मैं चाहता हूं आप इसे यहां समझ ले इन क्वेश्चन का uh, कहना है कि इस कोड के हिसाब से वेल्डर अप्रूवल या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट छीना जा सकता है या वापिस लिया जा सकता है किस केस में तो ही हैज नॉट डन एनी वेल्डिंग फॉर अ पीरियड ऑफ फोर मंथ ट फ्रॉम वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ सेवन मंथ द रिपेयर रेट फॉर इज वेल्ड एक्सिप्स वन परसेंट ऑल ऑफ द अब तो इसका आंसर है बी अगर वेल्डर सात महीने से जॉब पे एबसेंट या सात महीने से उसने वेल्डिंग नहीं करिए तो उसका क्वालिफिकेशन विद्रॉ किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर सेवन चेंजिंग एसेंशियल वेरिएबल बियोन्ड द अलाउड रेंज फॉर अ क्वालिफाइड वेल्डिंग प्रोसीजर क्वेश्चन पूछ रहा है अगर एसेंशियल वेरिएबल को जो रेंज है डब्ल्यूपीएस के रेंज उससे ज्यादा या कम करते या उससे चेंज करेंगे तो क्या होगा तो मे चेंज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ज्वाइंट यस ये तो मैंने आपको बताया था वीडियो लेक्चर में मे एडवर्सली एफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द वेल्ड देखिए अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी तो क्वालिटी ऑफ द वेल्ड ऑब्वियस सी बात है चेंज होगी तो ये भी सही है विल रिक्वायर अ न्यू वेल्डिंग प्रोसीजर टू बी अप्रूव्ड यस ये मैंने आपको बताया था जब भी हमें एसेंशियल वेरिएबल को चेंज करना है तो हमें डब्ल्यूपीएस को रिक्वालिफाई करना पड़ेगा तो आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एब क्वेश्चन नंबर एट अ वेल्डिंग प्रोसीजर इज यूजफुल टू वेल्डिंग प्रोसीजर के बेनिफिट क्या है उसके फायदे क्या है उसका पर्पज क्या है तो गिव इंफॉर्मेशन टू द वेल्डर गिव इंफॉर्मेशन टू द इंस्पेक्टर गिव कॉन्फिडेंस टू द प्रोडक्ट ऑल ऑफ द एबव तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है ऑल ऑफ द एब क्वेश्चन नंबर नाइन असेंशियल वेरिएबल मे चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेल्ड यस जो एसेंशियल वेरिएबल है उससे चेंज प्रॉपर्टीज की जो वेल्ड की प्रॉपर्टीज जो चेंज हो सकती है अगर उस हम चेंज करेंगे तो इन्फ्लुएंस द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वेल्डमेंट हाँ अगर एसेंशियल वेरिएबल जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है अगर हम एसेंशियल वेरिएबल चेंज करेंगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो उसको प्रभावित करता है रिक्वायर रिक्वालिफिकेशन ऑफ ए वेल्ड प्रोसीजर बिल्कुल अगर हम एसेंशियल वेरिएबल चेंज करेंगे तो डब्ल्यूपीएस को रिक्वालिफाई करना पड़ेगा हेंस आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द क्वेश्चन नंबर दस इन वेल्डिंग प्रोसीजर टर्म चेंज इन एसेंशियल वेरिएबल्स मीन ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है आंसर है रिक्वालिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग प्रोसीजर पॉसिबल चेंज इन वेल्ड स्ट्रक्चर पॉसिबल चेंज इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑल ऑफ द तो आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एब अंडर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन वेल्ड प्रोसीजर अप्रूवल टेस्ट फॉर पाइप वर्क आर देखिये कोई भी वेल्डिंग शुरू करनी है तो हमें वेल्ड प्रोसीजर वेल्डिंग को क्वालिफाई करना ही होगा वेल्डिंग प्रोसीजर को क्वालिफाई करना होगा तो ये इसका आंसर होगा मैंडेटरी किसी भी अंडर कोई भी नॉर्मल प्रोडक्शन वेल्डिंग है तो उसके अंदर वेल्डिंग डब्ल्यूपीएस क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है द मेजोरिटी ऑफ वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट आर कैरीड आउट यूजिंग अनबेक्ट ज्वाइंट दिस इज बिकॉज देखिए आप लोग एक्सपीरियंस्ड वेल्डिंग इंजीनियर हैं या प्रोफेशनल है तो आप इसका आंसर दीजिए मैं आपको एक मिनट का टाइम देता हूं तो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपने ऑप्शंस तो पढ़ी लिए होंगे इसका आंसर है इट रिक्वायर्स मोर स्किल एंड इंक्रीजेस द वेल्डर क्वालिफिकेशन रेंज हम अनबैक्ड ज्वाइंट या बिना बैकिंग के ज्वाइंट को यूज करते हैं तो उससे क्या है वेल्डर के स्किल्स भी बढ़ते हैं और दूसरा वेल्डर क्वालिफिकेशन का रेंज भी बढ़ जाता है इसीलिए हम हमेशा अनबैक्ड ज्वाइंट पे ज्यादातर समय अनबैक्ड ज्वाइंट पे ही डब्ल्यू वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट करते हैं द प्रिंसिपल पर्पज ऑफ कैरिंग आउट अ वेल्डिंग प्रोसीजर अप्रूवल टेस्ट वेल्डिंग प्रोसीजर अप्रूवल टेस्ट क्यों करते हैं तो टू शो दैट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेटिस्फाई सेटिस्फाइड स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही इसीलिए करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हमारे डिजाइन क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई कर रहा है जो रिक्वायरमेंट है उसको सैटिस्फाई कर रहा है उसको मीट कर रहा है ये जानने के लिए करते हैं सेकंड ऑप्शन है टू डेमोस्ट्रेट टू द क्लाइंट दैट द फैब्रिकेटर हैज गुड कंट्रोल ऑफ वेल्डिंग ऑपरेशंस नहीं ये ऑप्शन नहीं है टू इंश्योर दैट द एनडीटी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड कैन बी अचीवड ये भी आंसर नहीं है टू अलाउ अ वेल्डर टू प्रैक्टिस यूजिंग डब्ल्यू दैट विल बी यूज फॉर प्रोडक्शन वेल्डिंग ये भी ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन ए होगा ए राइट आंसर ए है वेल्डर क्वालिफाइड इन सिक्स जी पोजिशन वुड नॉर्मली बी क्वालिफाइड फॉर वेल्डिंग ज्यादातर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर किसी वेल्डर ने सिक्स जी पोजिशन में क्वालिफाई कर लिया है तो ऑल पोजिशन में क्वालिफाई होता है फिलेट और बट दोनों में तो देखिये ऑप्शन क्या है ऑल डायमीटर पाइप ऑल मेटल्स इन ऑल पोजिशन फॉर बट वेल्ड एंड फिलेटवेट ऑल ऑफ दोप्रिएट आंसर लग रहा है मुझे सी लग रहा है इन ऑल पोजिशन फॉर बट वेल्ड एंड फिलेटवेल्टे आंसर होगा सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वेल्डिंग प्रोसीजर्स मस्ट बी क्वालिफाइड ये सिमिलर क्वेश्चन ही है आंसर देख लेते हैं द वेल्डर नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर प्रोडक्शन बिगिन नो द टू प्रूव दैट एंडीटी मेथड कैन लोकेट डिफेक्ट्स नो टू प्रूव दैट फैब्रिकेटर कैन वेल्डिंग नो टू इंश्योर दैट द ज्वाइंट प्रोपर्टीज सेटिस्फाइड द स्पेसिफिकेशन तो आंसर डी ज्यादा अप्रोप्रिएट है ये सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अ वेल्डर एंड प्रोसीजर रिक्वालिफिकेशन वुड बी रनआउट डेट ऑफ द प्रोसीजर है कि वेल्डर रिक्वालिफिकेशन या प्रोसीजर रिक्वालिफिकेशन दोनों रिक्वालिफिकेशन की नौबत या जरूरत कब पड़ती है तो इसका आंसर है जब भी एसेंशियल वेरिएबल हम चेंज करते हैं तो इनके रिक्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो डी होगा आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच ऑफ द following आर एसेंशियल वेरिएबल्स फॉर पीडब्ल्यू एस एस के लिए एसेंशियल वेरिएबल क्या है तो PWST एस में एक फिक्स हीटिंग रेट होता है फिक्स एक सोकिंग टाइम होता है फिर एक कूलिंग रेट होता है फिक्स कूलिंग रेट इसका आंसर डी होगा ऑल ऑफ वेरिएबल्स है ये एसेंशियल होंगे पीडब्ल्यू एस के लिए वाई इज a वेल्ड प्रोसीजर क्वालिफिकेशन टेस्ट नेसेसरी Option A to ensure the welder is able to make sound welds meeting the requirement of the agreed welding procedure. टू इन्श्योर द वेल्डर सेटिसफाई द एनडीटी एंड मैकेयरमेंट ऑफ द स्पेसिफिकेशन टू गिव मैगजिम कॉन्फिडेंसरियबल्सिंगल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीड स्पेसिफिकेशन और फाइनली डी ऑप्शन है टू गिव अ गारंटी दैट डिफेक्ट फ्री वेल्ड विल बी प्रोड्यूस फ्रेंड्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसके साथ ये लास्ट क्वेश्चन कम्प्लीट होगा यहां मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा इसके पहले वाले चैप्टर्स में मैंने हर चैप्टर में आपसे कुछ सवाल पूछे थे मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बट बहुत कम लोगों ने बहुत ही फ्यू लोगों ने उसके आंसर लिखे है मतलब जो क्वांटिटी आंसर्स की क्वांटिटी है बहुत ही कम है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है अगर आपको लगता है आपके करियर के लिए यूजफुल है हेल्पफुल है अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आप सीशी कह क्लियर कर सकते हो तो आप दो चीजें करो एक तो आप मेरे वीडियोस पूरे देखो और दूसरा मैं जो भी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं आप ये दोनों चीजें लिखेंगे इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलता हूं Thank you very much.